जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस की सरकार गिराने संबंधी सवाल पूछकर मंत्री जी को असहज करने वाली युवती ने सोशल मीडिया पर ट्रोल होने के बाद लसूरिया थाने पहुंचकर पुलिस अधिकारी को शिकायत की है। इसी बात को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राकेश सिंह यादव ने कहा, मां अहिल्या की नगरी में एक महिला का जिस तरह अपमान होता है और सोशल मीडिया में जिस तरह की भाषा का उपयोग किया गया है, ये पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है। उन्होंने पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से भी पूछा, क्या वह अभी भी मौन रहेंगी महिला के अपमान पर? साथ ही मंत्री उषा ठाकुर जो एक महिला भी हैं, क्या उनको इस मामले में आवाज नहीं उठानी चाहिए? इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आप यहाँ पर करने आए हो, हाँ। क्या आपने अभी फिलहाल शिकायत की है? मेरी शिकायत ये है कि कल, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कुछ वीडियोस डाले थे जो काफ़ी वायरल हुए हैं फेसबुक के मीडिया, मतलब सोशल मीडिया के मीडियम से। उसके बाद मुझ पर कुछ लोगों ने अश्लील आरोप लगाना चालू किए, प्लस अश्लील अभद्र टिप्पणियां करना चालू की, मेरे कैरेक्टर पर बकवास करना चालू की। मतलब इवन ये हालत है कि मुझे वैश्या तक कहा गया, मतलब इतने गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो मैं शायद यहाँ नहीं बोल पाऊँ। तो उसके खिलाफ़ मैं कंप्लेन करने आई थी बेसिकली। और यहाँ पे ये है कि उन्होंने मुझसे एक ही चीज़ पूछी कि आप कौन हो क्वेश्चन पूछने वाले। बस मुझे यहाँ के जो जिन ऑफिसर को मैंने कंप्लेन किया, जिन ऑफिसर को मैंने आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन तो लिया, मेरा बयान भी अभी लिया है, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली कि आप कौन हो क्वेश्चन पूछने वाले। और मैंने ऐसा कुछ, मेरे पास ना, मैं आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट कांग्रेस वर्कर, आई एम नॉट फ्रॉम एनी पार्टी एनी थिंग, आई एम जस्ट एन एक्टिविस्ट। और ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि अभी जो डेमोक्रेसी है उसके लिए हमारे को आवाज़ उठाने का हक है, तो डेमोक्रेसी में मैं बस अपनी आवाज़ उठा रही थी और बस यही किया है मैंने। उसके जगह पर मेरे ऊपर इतने घटिया घटिया आरोप लगाए जा रहे हैं, इतने घटिया घटिया चीज़ें बोली जा रही है, मुझे बार गर्ल बोला जा रहा है, पता नहीं क्या क्या बोला जा रहा है, जो सब कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से ही हो रहा है। आपके जो फोटोज़ हैं वो निकाले गए हैं और उसको पोस्ट किया गया है, बार अटेंडर तक ये कहा गया है, इसको लेकर शिकायत। और ओवरऑल क्या रहा था घटनाक्रम कल, आपने कहा किससे क्या सवाल? घटनाक्रम ये रहा कि मैंने कल मेरे एरिया में नगर निगम का जो ग्राउंड है उसमें जब आम सभा हो रही थी, मीटिंग हो रही थी, उस टाइम पर मैंने सिर्फ क्वेश्चन पूछा था मंत्री जी से कि आपने सरकार, मतलब सरकार गिरी और ये सब के बारे में क्वेश्चन पूछा मैंने उनसे। तो उनका जो जवाब था वो तो जो था वो ठीक ही है, उनका जवाब तो हम छोड़ ही देते हैं क्योंकि उनका तो कुछ सीन नहीं है, लेकिन उसके भी आप पे उनके साथ जो वहाँ पे लोग अवेलेबल थे, जो लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन लोगों ने मुझ पे ये घटिया घटिया आरोप लगाना चालू किए हैं। और दूसरी बात, मेरी कहीं ना कहीं मेरी मानहानि करना चालू। आगे मेरा ये स्टैंड रहेगा कि जब तक वो लोग मुझसे माफ़ी नहीं मांगेंगे, जितना उन्होंने डेढ़ मिनट का वीडियो बना के मुझसे कहा है कि मैं बार्गर्ल हूँ, मैं बारटेंडर हूँ, मैं एक एक्ट्रेस महिला हूँ, जब डेढ़ मिनट का किया है, कम से कम वो तीन मिनट तक जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा जब तक मैं नहीं छोड़ने वाला। तो सिंधिया जी के समर्थक हैं, क्या कहना चाहेंगे सिंधिया जी से? सिंधिया जी के समर्थक है, ठीक है, आपने जो कर लिया ठीक है, आपने लोकतंत्र की हत्या कर ली ठीक है, आप एक बात बताइए, हम लोग वोट करते हैं नेताओं को, ठीक है, क्या होता है? वो तो अभी अपनी जगह पर हैं, हम लोग परेशान हुए, हम लोग ढाई ढाई घंटे लाइन में लग के वोट किए हैं उन लोगों को, हम लोगों की सारी परेशानियाँ हैं, हमारे इनकम टैक्स के पैसे से चुनाव का खर्चा उठेगा, मतलब ये कोई तो तर्क नहीं होता। मतलब हमने ये सोच के तो नहीं किया था कि आप 18 महीने बाद वापस आ जाएंगे, हमने तो ये सोच ही किया था ना कि 5 साल के लिए आपको सत्ता दी है हमने। आपका नाम बताइए। उपासना शर्मा। राकेश जी, अभी हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें एक महिला ने जो है वो तुलसी सिलावट जी के ऊपर कुछ कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया था और उसके बाद में उनके साथ में सोशल मीडिया पर भयंकर बदतमीजी हुई जिसमें उनके बाद उन्होंने उसकी शिकायत भी थाने पर की, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग और आरएसएस की पाठशाला से निकले हुए लोग, इनका एकमात्र उद्देश्य रहता है कोई भी अगर सवाल पूछता है तो उसको किस तरीके से दबाना। माँ अहिल्या की नगरी में अगर किसी एक महिला का अपमान होता है और इस तरीके से उससे जैसी भाषा सोशल मीडिया पर उसके लिए उपयोग की गई है, वो पूरे महिला जगत का, मध्य प्रदेश की सारी महिलाओं का अपमान है। मैं पूछना चाहता हूँ यहाँ की पूर्व सांसद सुमित्रा महाजन से, क्या वो अब भी इस मामले में भी मौन रहेंगी जो महिलाओं का इतना बड़ा अपमान हुआ है? मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री उषा ठाकुर जी से, वो स्वयं एक महिला हैं और उन्हीं के पार्टी के जो चुनाव लड़ने वाले हैं वो इस तरीके से महिलाओं का अपमान करा रहे हैं, अपने क्षेत्रीय गुंडों को ये बोल रहे हैं कि इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर फैलाएं, क्या इनके खिलाफ सुमित्रा महाजन जी को, उषा ठाकुर जी को या हमारी जो महापौर रही मालिनी गोल्ड जी को आवाज़ नहीं उठाना चाहिए? क्या महिलाओं के हित में इनको नहीं बोलना चाहिए? अगर ये भी पार्टी
के ऐसी स्थिति के बाद नहीं बोलेंगे तो महिला जगत, वो पूरा मध्य प्रदेश की महिलाएं कभी भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। सांवेर की जनता तो मुंह तोड़ जवाब देगी इस बात का, लेकिन मध्य प्रदेश की 22 सीटों पर महिलाएं इन गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब देगी।